जय हिंद। उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लास 10th और 12th लेवल की बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसीज है। 2,841 सीट्स की इस वैकेंसीज में स्टैटिकल फील्ड सर्वेयर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसीज है। आज हम इस वीडियो में सभी कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको इसके एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एप्लीकेशन फी, अप्लाई कैसे करें, पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या देना होगा, सभी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में उपलब्ध होगा। अब आइए बिना देरी किए सबसे पहले जॉब डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो टोटल वैकेंसीज 2,841 सीट्स की है, जिसमें स्टैटिकल फील्ड सर्वेयर जो कि प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट की जॉब है 529 सीट्स है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जॉब है 576 सीट्स है, अमीन जो कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जॉब है 538 सीट्स है, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की जॉब है 806 वैकेंसीज है, एक्साइज कांस्टेबल जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट की जॉब है 392 सीट्स है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज फॉरेस्ट गार्ड की है, जो कि 10th लेवल की वैकेंसीज है। सभी जो पोस्ट है उसके सभी डिटेल्स आगे इसी वीडियो में अवेलेबल होंगे। इस वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखते रहें। इन सभी पोस्ट के फॉर्म को भरते समय आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। आपके फी एग्जेम्प्टेड हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यह एक बहुत बड़ी राहत है। इन सभी पोस्ट के पे स्केल और सैलरी की बात करें तो स्टैटिकल फील्ड सर्वेयर SFS और अमीन की जो सैलरी है वो पे स्केल 18,000 का है, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 3 की सैलरी इन्हें मिलेगी। और उसके बाद असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल की जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 की है, जिनका पे स्केल 19,900 रुपीस का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके मुख्य 3 स्टेजेज हैं। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको यहां जानने की आवश्यकता है कि सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल के लिए ही फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको पीएमटी, पीएसटी, पीईटी एग्जाम नहीं देने होंगे। अब आइए रिटन एग्जाम के पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, यानी ओएमआर शीट पे आपको आंसर करने होंगे। सभी प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि क्लास 10th लेवल के होंगे, जिसमें आपसे 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 180 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक से 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज यानी जीके से 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश से आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, उड़िया लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के और कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक सही जवाब देने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और एक रॉन्ग आंसर करने पे आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। एस्टेटिकल फील्ड सर्वेयर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन और एक्साइज कांस्टेबल का जो मिनिमम एज है वो 21 इयर्स और मैक्सिमम 32 इयर्स होना अनिवार्य है। वहीं फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 32 इयर्स होना अनिवार्य है। एज रिलैक्सेशन एसटीएससी और जो कैंडिडेट हैं उनको 5 इयर्स का मिलेगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टैटिक सर्वेयर के लिए +2 यानी इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है या इसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री। वहीं असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए भी +2 पास होना अनिवार्य है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है, या अमीन के लिए भी +2 यानी इंटरमीडिएट पास होना या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पास होना अनिवार्य है या इसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री। वहीं फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10th पास होना अनिवार्य है। एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना अनिवार्य है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीटी की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर का वॉक 4 आवर्स में कंप्लीट करने होंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 16 किलोमीटर का वॉक 4 आवर्स में कंप्लीट करने होंगे।
ओडिशा एक्साइज कांस्टेबल के पीईटी एग्ज़ाम की बात करें तो मेल कैंडिडेट को रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड्स में पूरे करने होंगे। वहीं रोप क्लाइंबिंग 6 मीटर्स है, हाई जंप 1.22 मीटर्स है, लॉन्ग जंप 3.66 मीटर्स है, स्विमिंग 40 मीटर्स है 8 मिनट्स में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर वो 8 मिनट्स 30 सेकंड्स में पूरे करने होंगे, रनिंग 20 मीटर्स 36 सेकंड्स में पूरे करने होंगे, लॉन्ग जंप 2.75 मीटर्स है, स्विमिंग 40 मीटर्स है जो कि 10 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे, साइकिलिंग 1.6 किलोमीटर है जो कि 6 मिनट्स 30 सेकंड्स में पूरे करने होंगे। पीएमटी पीएसटी की बात करें तो एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल और एसीबीसी से, उनका हाइट 168 सेंटीमीटर, वेट 55 केजी और चेस्ट 79 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 84 होना चाहिए। वहीं एसटी एससी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 76 और एक्सपेंडेड 81 होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो जनरल और एसीबीसी से हैं उनका हाइट 158 और वेट 47.5 केजी होना चाहिए। और एसटीएससी से जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट 153 और वेट 45 केजी होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो मेल कैंडिडेट है जनरल एसीबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट का हाइट 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट OSSC.gov.in पे जाएं, वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, फिर रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद अपने नेसेसरी डिटेल्स को भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, उसके बाद प्रीव्यू करें, सबमिट करें, सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें फ्यूचर यूज के लिए। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 21st अक्टूबर 2021 है, इससे पहले फॉर्म को अवश्य भर लें। हम सिलेबस को भी अपलोड करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करते रहें।